मैं सुमित्रा बिश्नोई जोधपुर जिले से पूर्व प्रधान बिलड़ा और अभी परिवर्तन यात्रा में महिला संयोजक है प्रदेश से। आप महिला संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं, आप इस परिवर्तन यात्रा के अंदर महिलाओं से मिले होंगे? जी बिल्कुल। किस प्रकार की आपको महिलाओं ने अपनी परेशानियां और खुशी का जो पॉइंट है वो बताया? हम लोगों को महिलाओं को जोड़ने के लिए ही साथ में रखा है, हम आगे से आगे महिलाओं से कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, तो महिलाएं बहुत खुशी से भाजपा की तरफ जुड़ रही है क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें आज महिला सुरक्षित नहीं है। पहले ये महिलाओं को लगता था कि बाहर जाएंगी सुरक्षित नहीं, लेकिन आज की तारीख में घर में भी महिला सुरक्षित नहीं है, तो उनका रुझान भाजपा की तरफ है और उनको आशा है कि भाजपा की सरकार आएगी तो हमें सुरक्षा मिलेगी और हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ भाजपा हमारे लिए कुछ करेगी। आप गोगा मंडी से शुरू हुए हो, आज नौका पहुँचे, यहाँ तक आपको ऐसी कोई महिला जिसने मतलब अपने आप को पीड़ित बताया कि मैं आज के दिन में इस प्रकार पीड़ित हूँ? बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, जगह जगह ऐसी, हर कोई शहर नहीं बचा हुआ, कोई गांव नहीं बचा हुआ जहां पे कुछ न कुछ महिलाओं के साथ बुरा, क्योंकि जो ये दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं उनको थोड़ा सा वो मिला हुआ है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो उनको डर ख़त्म हो गया और महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, ये हम सब जगह देख पा रहे हैं। महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। सुनीता जी बिश्नोई थे, आपका क्या परिचय? स्नेहा कांबोज। कहाँ से आप? मैं प्रदेश महिला मोर्चा मीडिया प्रभारी हूँ और अभी इस यात्रा की संयोजक टीम में प्रदेश से लगाए गए हैं। आप मीडिया प्रभारी हैं, महिलाओं की बात करें, भाजपा की एकमात्र महिला सशक्तिकरण का अगर हम रूप कहें तो जो है वसुंधरा राजे जी थे, मानते हैं कि उनका एक नेतृत्व रहा है, कई बार वो मुख्यमंत्री रहे? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन कहीं की पार्टी उनको किनारे कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पार्टी कहीं ऐसा अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी कहीं उनको किनारा नहीं कर रही है, पार्टी उनके साथ है और वो पार्टी के साथ है, और ऐसा एक माहौल बनाया गया है कि वो पार्टी से अलग हैं, लेकिन आप देखिए हर जगह पर अब मैडम हर जगह पर दिख भी रही हैं, और जाहिर सी बात है महिला सशक्तिकरण की एक अच्छा उदाहरण है वो, और उनके माध्यम से भी बहुत सारी महिलाएँ पार्टी के साथ जुड़ रही हैं और आगे भी पार्टी महिलाओं के साथ है, और पार्टी महिलाओं के साथ है, लेकिन अगर वसुंधरा जी को जो उनकी चाहत है वैसा पद नहीं मिला, अगर वो पार्टी से किनारा कर गए तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई महिला की बात नहीं की जा रही है कि सिर्फ मैडम अगर साथ छोड़ देंगी तो पार्टी से बाकी लोग अलग हो जाएंगे, सब पार्टी के साथ हैं और वो भी हमारी पार्टी के साथ हैं, ये आप लोगों की सबकी मंशा ऐसी बनी हुई है कि शायद मैडम अलग हो गई हैं, लेकिन हम सब एक हैं और आने वाले समय में आपको एक ज़रूर एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा कि भाजपा की विजय होगी और सभी लोग मिलकर प्रचंड बहुमत के साथ ये सारे लोग हम सब के साथ। धुआं वहीं निकलता है जहाँ आग लगने के संभावना होती है, और धुआं जरूर निकल रहा है, आप चाहे उसको नकारो। नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन हम सब एक हैं, और जिस तरीके से केंद्र सरकार से जो भी हमें आदेश मिल रहे हैं हम सब उन्हीं को पालना कर रहे हैं और सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, सबको व्यस्तता इतनी दी गई है कि आप लोगों को लग रहा है कि वो हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, लेकिन सभी अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम कर रहे हैं और भाजपा को विजयी बनाने में सभी का। भाजपा मुख्यमंत्री चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या कमल के फूल पर? जी, कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगी, मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी, और आगे क्या सूचना मिलती है उस पर आपको जरूर से सूचना मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से संजेती जिला महामंत्री बीकानेर से हूँ और मुझे जय भाजपा विजय भाजपा। पार्टी जी आप कब से शामिल हैं यात्रा में? मैं इस यात्रा में का मतलब 6-7 डेज से शामिल हूँ। आप महिला हैं और महिलाओं का किसी भी राजनीतिक दल के अंदर उसके प्रचार प्रसार के साथ चलना एक महत्व रहता है, महिलाओं से आपको जब मिले प्राप्त किया किस प्रकार का आपको रिस्पॉन्स मिला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम नरेंद्र मोदी के प्रति महिलाओं का जो मेन चीज मैं कहूँगी, माननीय नरेंद्र मोदी के प्रति हर महिला का एक बहुत ही ज़्यादा रुझान है, तो मैं तो मतलब उन्होंने जो महिलाओं के लिए जो किया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रिलेशन हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब में तो मेरे हिसाब से ये मेन पॉइंट है और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मैं भी भाजपा का एक हिस्सा हूँ और हमारे जो हैंड है बहुत ही मुझे मतलब एक पॉजिटिव व्यू लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं
भाजपा की? ये महिलाएं थी जो भाजपा की परिवर्तन यात्रा के अंदर पुरुषों के साथ में, जो पुरुष नेतृत्व कर रहे हैं इस परिवर्तन यात्रा के, उसके अंदर ये नेतृत्व कर रही थी और इनके जो विचार थे वो रखे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भोजभाई फिर आ जाऊँगा, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।